यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया है, क्यों उसे क्रूस पर मरना पड़ा, ये सारा कुछ मैंने जब समझा दिया तो लास्ट पे मैंने उस सिस्टर को ये उदाहरण दी थी कि जैसे मान लो, मैंने तो आपको समझा दिया, जैसे मान लो एक लिफाफा है, उसमें कूड़ा भरा है, बोलो क्या भरा है, ध्यान से इसको समझना, एक लिफाफा है और उसमें कूड़ा भरा है, कूड़ा, गंदा कूड़ा, और जब तक वो लिफाफा आपके हाथ में तब तक क्या आती रहेगी, आपको बदबू आएगी कि नहीं आएगी, उस कूड़े की जो हाथ में अपने वो गंदे कूड़े का लिफाफा पकड़ा है तो तब तक वो क्या आएगी, बदबू आएगी कि नहीं आएगी, मैंने कहा, कहते आएगी, मैंने कहा जब उस लिफाफे को आप कूड़े वाले को ऐसे करके दूर फेंक दोगे तो फिर बदबू आएगी, कहते नहीं आएगी, मैंने कहा उसी तरह से ये कैंसर है, क्या है, उसी तरह से ये कैंसर है, बोलो क्या है, उसी तरह से ये कैंसर है, जब तक अगर आप अपने मन में ये सोच रखोगे तो वो रहेगी, अगर अगर आप सोचोगे हाँ मुझे कैंसर है, आप ऐसे सोचोगे, तो मैंने कहा जैसे मैंने वो लिफाफे वाली बात बताई, अपने ऐसे फेंक दिया, तो आप ऐसे समझो मैंने यीशु मसीह ने मेरी इस कैंसर को क्रूस पर उठा लिया और आपने ऐसे करके इसे फेंक देना है कूड़े की तरह, और जरा भी मन में अपने सोचना नहीं है कि मुझे कैंसर है। हालेलुया, जिस सिस्टर का नाम अंशु है और से मोदल कॉलोनी के रहने वाले पट्टे पर, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि 2 महीने हो गए थे इनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जिसके कारण इनके गले में स्वेलिंग हो गई थी और जे बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खा रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडिसिन खाई पर जे बता रहे हैं कि कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, और जब जे मेडिसिन खाते थे फिर उसके बाद जे खाना खा सकते थे, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण इसे खाना खाने में प्रॉब्लम रहती थी, और जे बता रहे कि मेडिसिन खाने तक इनको फ़र्क रहता था पर प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती थी दर्द की, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे, और जे सिस्टर बता रहे कि जिस डॉक्टर के पास जिससे जो मेडिसिन खा रहे थे बहुत ज़्यादा उन्होंने महंगी मेडिसिन भी दे दी, पर जो बता रहे कि इनको फ़र्क ना होने के कारण डॉक्टर ने कहा कि जो क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, इनके फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और इनको चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, इनकी टांगों में दर्द रहती थी, तो जो बता रहे कि इनसे चला भी नहीं जा रहा था, पिछले सैटरडे तो इनकी हालत बहुत ही इसे ख़राब हो गई थी, और जैसे जी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप अपना टेस्ट कराएं, मुझे लगता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ गई और प्लस जो आपके गले की जो दर्द रहती है गले में स्वेलिंग है, इसलिए जो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, इतनी महंगी मेडिसिन भी मैंने दे दिए, पहले आप अपना टेस्ट कराएं, पर जो सिस्टर बता रही कि जैसे जी उस दिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया और डॉक्टर ने कहा कि आप कल संडे पिछले संडे आप ऐसे आकर अपना टेस्ट कराना, पर जो बता रहे हैं कि उस दिन उन्होंने विश्वास किया था कि परमेश्वर मैं आपकी हजूरी में आना चाहती हूँ, जो मेरा टेस्ट है वो नेक्स्ट मैं अगले दिन करा लूँगी, पर इन्होंने जैसा विश्वास से जे संडे की पिछले संडे की मीटिंग में जब जे सिस्टर आए तो जे बता रहे हैं कि उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा सबके लिए लैंड हुई थी, और जैसे इस सिस्टर के लिए भी जब लैंड हुई तो उस समय इन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे कुछ नहीं बताया था कि इन्होंने कल टेस्ट कराने जाना है, जब इनको थायराइड की डॉक्टर ने बोला कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके गले में प्रॉब्लम, इन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो जो बता रहे जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लैंड हुई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। कि जैसे इनके लिए लैंड हुई तो उसी समय इन्होंने विश्वास से रिसीव किया कि परमेश्वर जे आपका हाथ मेरे सिर पर आया और मैं विश्वास करती हूँ कि जो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कल टेस्ट करवाना है, तो जैसे जे मैं मंडे के दिन जब टेस्ट करवाऊँगी और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी और जो मेरे गले में दर्द रहती है मैं बहुत मेडिसिन खा रही हूँ फ़र्क नहीं पड़ा,
तो मैं आज विश्वास करती हूँ कि इस लेहन के द्वारा परमेश्वर आपकी सामर्थ्य ने मुझे छू लिया है और मैं अच्छी हो चुकी हूँ। और जैसे इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया तो जो बता रहे कि उसी दिन संडे की मीटिंग में ही परमेश्वर के दास के द्वारा सबको मैसेज दिया गया था कि जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वो कल पर्सनल मंडे की मीटिंग में आए। तो जैसे जिस सिस्टर ने उस दिन मन बनाया कि कल मैं मीटिंग में आऊँगी जो मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो जैसे जो विश्वास इन्होंने इस कर्म को किया तो जो बता रहे कि सुबह के टाइम जो जल्दी से अपना टेस्ट करवा आए थे और जैसे जो पर्सनल मीटिंग में आए तो इन्होंने परमेश्वर के दास के सब जब इन्होंने मीटिंग की तो परमेश्वर के दास को इन्होंने बताया कि ऐसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा शरीर फूल गया था, बॉडी में स्वेलिंग थी, फेस पर स्वेलिंग हो गई थी और प्लस मेरे गले में दर्द रहती थी, बहुत ज़्यादा मैं मेडिसिन खा रही हूँ। तो जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया, बताया कि अगर आपकी टेस्ट में प्रॉब्लम आ भी जाए तो आपने डरना नहीं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा उस दिन इनको मिला था कि कल का जो वचन भी आपने सीखा है क्योंकि आप जीते हुए हो, तो उनको बताया कि डरना नहीं है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं, बस आपने विश्वास करना है। और इनको वचन भी दिया गया कि आपने इस वचन के द्वारा धन्यवाद करना है, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। और जैसे जो उस वचन को लेकर अपने जब घर के जो धन्यवाद करते रहे, विश्वास करते रहे, तो जो बता रहे कि जैसे तीसरे दिन इनकी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जो रिपोर्ट्स है पहले हम उस रिपोर्ट्स की पिक को देखेंगे। तो जो इनकी थायराइड की रिपोर्ट्स है तो डॉक्टर ने बताया तो डॉक्टर हैरान हो गया कि जब आप सैटरडे के दिन मेरे शॉप पर आए थे तो आपकी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे देखकर लगता था कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, पर टेस्ट को जब देखा तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, बिल्कुल भी थायराइड नहीं था। और जो बता रहे कि सचमुच उस परमेश्वर की सामर्थ्य से जिन्होंने विश्वास से लेन को करवाया और रिसीव किया और प्लस जे फिर से मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया तो परमेश्वर ने उस क्रेस के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा इनकी जो थायराइड थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं इनकी बॉडी में। उस दिन से जो बता रहे कि गले में दर्द भी नहीं है, आज पूरी तरह से जो फ्री है। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे कि सच में खुदावन परमेश्वर ने जो इनकी 2 महीने से जो गले में दर्द रहती थी, खाना खाने में प्रॉब्लम थी, मेडिसिन खा रहे थे और बॉडी में स्वेलिंग थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, और जो बता रहे कि आज परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है, आज इनके टेस्ट इनके रिपोर्ट सब नॉर्मल आई, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। अभी अपनी वीडियो में देखा कि अभी उस वीडियो की पिक्चर को और अभी इनके साथ में लाओ, मैं देख रहा हूँ तब से, मैं जब से ये गवाही बता रहे हैं कि कितना पूरा जैसे फूला हुआ चेहरा है, बोलो क्या है, और एकदम से खुदा ने क्या कर दिया है। ये प्रॉब्लम आपको कितने समय से थी? जय मसीह की। 2 महीने से। 2 महीने से थी जी, पापा। जिसके लिए आपने बहुत मेडिसिन खाई। हाँ जी। और आपके हमेशा गले में दर्द रहती थी। हाँ जी। खाने पीने में आपको दिक्कत आ रही थी। हाँ जी। पर कोई भी आपको आराम नहीं मिल रहा था। नहीं। और अपनी इस सैटरडे अपने टेस्ट कराए और थायराइड आया। हाँ। और फिर आप संडे आए। नहीं, थायराइड नहीं, मैं टेस्ट कराउन गई हाँ, ते पर मैं क्या, मैं संडे दी मीटिंग वेख के ना, ते फिर टेस्ट मैं ओ ना एतवार दी संडे दी मीटिंग वेख के फिर कराया। हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि मुझे थायराइड है? डॉक्टर ने कहा था कि आपको थायराइड है, इसलिए ये आपके फेस पर स्वेलिंग और पूरी बॉडी पर है। और आप जब संडे आए, संडे आपके ऊपर ले हैंड हुई और आपने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी इस बीमारी को दूर कर चुके हो। हाँ जी। और आप फिर मंडे सुबह पहले टेस्ट कराने गए। हाँ जी। फिर आप जो पर्सनल मीटिंग होती है फिर आप आए। हाँ। तो रिपोर्ट तुरंत साथ में मिल गई थी कि बाद में मिली? नहीं। हाँ? 3 दिन बाद आई। 3 दिन के बाद आई। हाँ। आप सुबह सुबह पहले रिपोर्ट कराने गए, फिर आप सीधा यहाँ पे जो मंडे की पर्सनल मीटिंग होती सोमवार को। हाँ।
अब यहाँ पे आ गए, फिर आपने यहाँ पे उन वचनों को सीखा और समझा। आपको याद है मैंने आपको एक वचन दिया था? हाँ जी। क्या था? आपने ही वचन दिया कि क्रूस में चढ़े तो अपने सारे पाप ले, तो ये वचन से बोलना भी मेरे लिए थायराइड नहीं, गले का रोग नहीं। यीशु मसीह हमारे सारे दुख तकलीफों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गए और अब मेरे लिए थायराइड, ये वचन दिया था, याद है हा? कि मैंने बताया था कि यीशु मसीह हमारे सारे दुख तकलीफों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए तो तुम्हारे लिए नहीं। मैंने एक उदाहरण भी दी थी, उदाहरण नहीं सॉरी, ये उदाहरण नहीं है, ये तो सच है। मैंने आपको बताया था ना, एक कैंसर, एक सिस्टर को कैंसर हो गई थी और जिसकी ब्रेस्ट डॉक्टरों ने कहा कि काटनी पड़ेगी। बोलो क्या करेगी? उसकी ब्रेस्ट काटनी पड़ेगी। ये शायद इस संडे से पिछले संडे की बात है। अभी मुझे भी नहीं पता कि वो सिस्टर क्यों नहीं आई, क्या कारण है, क्योंकि वो हिंदू फैमिली से ऐसी थी। क्या थी वो? हिंदू फैमिली से ऐसी थी। तो हो सकता है कि वो थोड़ा, जैसे मान लो कोई बंदा सोचता है ये मेरा धर्म नहीं है, या किसी चीज़ से वो शर्माता हो। पर जो भी उन्हें लेकर आए, उन्होंने हमें बताया कि वो बिल्कुल उस कैंसर से प्रभु ने उसे क्या कर दिया, फ्री कर दिया। डॉक्टर हैरान हो गए जब उसका चेकअप हुआ ना, जब यहां से वो भवन से घर गई तो डॉक्टर हैरान हो गया कि जब दोबारा चेकअप हुआ सब कुछ, क्योंकि वो ब्रेस्ट काटनी पड़नी थी। बोलो क्या? उनकी जो छाती वो काटनी पड़ी, उसमें कैंसर आ गया। तो डॉक्टर भी हैरान है कि आपकी कैंसर गई कहां थी। अब सुनो, बोलो क्या है? अब सुनो। और जो उस सिस्टर को मैंने ऐसे खुदा के वचन से एक उदाहरण दी, क्या दी थी? वही उदाहरण मैंने इसे दी थी। जब वो सिस्टर जैसे कैंसर थी, मैंने कहा कि देखो, जब मैंने पूरा खुदा का वचन शुरू से लेके लास्ट तक समझा दिया क्या कारण है, ये कैंसर कहां से आई, बोलो क्या है, कैसे आपकी बॉडी में आई, इसका कारण क्या है, सब कुछ मैंने जब समझा दिया, यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया है, क्यों उसे क्रूस पर मरना पड़ा, ये सारा कुछ मैंने जब समझा दिया, तो लास्ट पे मैंने उस सिस्टर को ये उदाहरण दी थी कि जैसे मान लो, मैंने तो आपको समझा दिया, जैसे मान लो एक लिफाफा है, उसमें कूड़ा भरा है। बोलो क्या भरा है? ध्यान से इसको समझना। एक लिफाफा है और उसमें कूड़ा भरा है, कूड़ा, गंदा कूड़ा। और जब तक वो लिफाफा आपके हाथ में, तब तक क्या आती रहेगी? आपको बदबू आएगी कि नहीं आएगी? उस कूड़े की जो हाथ में अपने वो गंदे कूड़े का लिफाफा पकड़ा है, तो तब तक वो क्या आएगी? बदबू आएगी कि नहीं आएगी? मैंने कहा, कहते आएगी। मैंने कहा जब उस लिफाफे को आप कूड़े वाले को ऐसे करके दूर फेंक दोगे तो फिर बदबू आएगी? कहते नहीं आएगी। मैंने कहा उसी तरह से ये कैंसर है। क्या है? उसी तरह से ये कैंसर है। बोलो क्या है? उसी तरह से ये कैंसर है। जब तक अगर आप अपने मन में ये सोच रखोगे तो वो रहेगी। अगर आप सोचोगे हाँ मुझे कैंसर है, आप ऐसे सोचोगे, तो मैंने कहा जैसे मैंने वो लिफाफे वाली बात बताई, अपने ऐसे फेंक दिया, तो आप ऐसे समझो मैंने यीशु मसीह ने मेरी इस कैंसर को क्रूस पर उठा लिया और आपने ऐसे करके इसे फेंक देना है कूड़े की तरह। और जरा भी मन में अपने सोचना नहीं है कि मुझे कैंसर है। मैंने वही उदाहरण इसे जब समझाई, बोले क्या उदाही? वही उदाहरण इसे सेम मैंने समझाई कि अपने ऐसे करना है। और कोई मन में बोझ नहीं रखना कि मुझे थायराइड है, मुझे तकलीफ है, मेरे गले में दर्द है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम, कुछ नहीं सोचना। इस उदाहरण से मैंने समझाया, बस फेंक दो वो लिफाफा बीमारी का, कूड़े का, खत्म है। और जो मैंने समझाया ये विश्वास में बने रहे, क्या रहे? बने रहे। मंडे रिपोर्ट करने के लिए गए, पर जो जहां पे आगे, यहां से जब मंडे को, सोमवार को आए, जो चीजें सीखी समझी, इनका मन और भी खुदा के लिए क्या हो गया, क्या हो गया? हो सकता है
सुनो इस गवाही में एक पॉइंट, हो सकता है जब रिपोर्ट कराने के लिए सुबह गए, हो सकता उस समय थायराइड हो, पर जो कर्म यहां पे आकर जो सीखा वचन से समझा सोमवार आकर, उसको सीखने से उधर खुदा ने वो रिपोर्ट भी नॉर्मल कर दी और इधर बॉडी से वो थायराइड खत्म कर दिया, उधर रिपोर्ट को नॉर्मल कर दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत काम करने वाला है। तारीफ कर दो, अभी तो नहीं कोई प्रॉब्लम, हाँ खुश हो अभी? देखो मुझे तो ऐसे लग रहा है, आपको लग नहीं रहा जैसे मेरा वेट कम हल्का हल्का हो गया? हाँ जी। अब देखना जब जा तो इनकी वीडियो फिर से आपको दिखाऊं, देखना वीडियो में ये कितने भारे भारे लग रहे, अब मुझे हल्के हल्के से महसूस हो रहे। सच में परमेश्वर महान है, तारीफ कर दो। थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलता, थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलता, वो नस जाता है शैतान जदों यीशु बोलता।